हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वनजा मिश्रा, वेलकम यू ऑल टू द सीकेएस केयर यूट्यूब चैनल। जमीक तुम थंबनेल जान पार्थ्व आज तुम्हारा 4 नंबर डोज खाइबार समय आसगला। 3 नंबर कैप्सूल को तुमने हजम कर दे आशा करुँच। आज आम 4 नंबर कैप्सूल दवा तुमको, ठीक अच्छे। एथेरे आम कौन पढ़िया ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आज डिस्कशन करवा, जोटा तुम सिलेबस तुम देखि सेकेंड यूनिट तुम ग्राविटेशन थर्ड यूनिट अच्छी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मुझे पार्ट में डिवाइड करके करी, कारण सब तक गोटे भिडियो 10-15 मिनिट कर इम्पॉसिबल। सो आज आम सॉलिडटा डिस्कशन करदे, ठीक अच्छे। सॉलिडटा आज होगा, नेक्स्ट फ्लुइड और मैंने फ्लुइड्र गोटे थे गैस करदे गोटे लिक्विड करदे, ठीक है। यहाँ समअप हो ट्राए कर 10-15 मिनिट एंटायर समअपटा करने जेहतु आम पूरा वन शॉट पढ़ी सारे एमसीक्यू कर सारे, सो वी शुड नॉट टेक मच टाइम ऑन दिस, ओके। तो देख तेरे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कौन मैटर कहले कौन ना तुम तीन टा स्टेट जहाँ कि तुम हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। ये सॉलिडटा आम आज पढ़ा, सॉलिड जो आम पढ़ुचे सॉलिडटा से प्रकार गोटे मैटर जार निजर डेफिनाइट सेप थिबो, डेफिनाइट सेप थिबो, वॉल्यूम थिबो, साइज थिबो, ए सब थिले आम सॉलिड बोली कहिया, ठीक अच्छे। तापर तो सॉलिड स्टार्ट करुचे आम सॉलिड रो सबठू बेसिक सब ए जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रे तुम सिलेबस भी तुम देख तुम सब फास्ट अच्छे इंटर एटमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देन अच्छे इलास्टिसिटी, देन अच्छे स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिक मॉडुलस, बस ये जिन तुम अच्छे सिलेबस रे। किंतु टिके इधर उधर एड़ सड़ भिड़ी भी एग्जाम क्वेश्चन आसे एथिरु सबुठ फास्ट जब कह इंटरमोलिकुलर इंटर एटमिक आउ इंटरमोलिकुलर फोर्स नॉर्मली सॉलिड रे कौन थाए स्ट्रॉन्ग इंटर एटमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ही थाए, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थाए, माने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर फोर्स स्ट्रॉन्ग थाए इन कंपैरिजन टू फ्लुइड बा लिक्विड और गैसेस रु अधिक स्ट्रॉन्ग फोर्स सॉलिड रे थाए, ओके। तापर जो तुम आसिबो इंटरमोलिकुलर स्पेस बा इंटर एटॉमिक स्पेस से तुम कम थाए, इंटर एटॉमिक स्पेस लेस कम स्पेस थाए बेसी अट्रैक्शन फोर्स थाए से आम सॉलिड बोली डिफाइन कर परिबा। तापर तुम आस इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी कहले कौन इलास्टिसिटी तुम कौन डिफाइन करे ना गोटे ऑब्जेक्ट को जब मुझे डीफर्म करुच्ची माने सर्टन ऑब्जेक्ट अच्छी मुझे फोर्स अप्लाई करुच्ची इधर लेंथ वाइज और एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज जमीती भी मुझे फोर्स अप्लाई करुच्ची अन अ सर्टन एरिया से कौन हम ना तार एलंगेसन हम बाकर मुझे पुश करुच्ची तो सी कंप्रेस हम दुटा जाक केस रे तार सेप साइज चेंज है जदि पुणी से तार ओरिजिनल सेप को गेन कर पार थे मुझे इलास्टिक बोली कहि जमीक आम गोटे फेमस क्वेश्चन आसे स्टिलटा सबुठ भल इलास्ट स्टिल इज द बेस्ट इलास्टिक सबुठ भल इलास्टिक मैंने रबर ठू भी अधिक रबर इज नॉट अ सच गुड इलास्टिक है तुमको शुणी लगुव रबर रबरटा इलास्टिक नुह स्टा इलास्टिक केमी कौन होम तो पिला शुणी आ रबर जो तुम लेगिंग्स कपड़ा गंजी कपड़ा जहाँ कहते से गुड़ा सब भल इलास्टिक आम कहना इलास्टिक बैंड्स इलास्टिक कपड़ा जो गुड़ाक आम इलास्टिक कहे से एक्चुअली भल इलास्टिक नुहे बुझे भल इलास्टिक नुह मैंने कौन फिजिक्स टर्म इलास्टिक मैंने कौन कौन जी तो ओरिजिनल सेप साइज को गेन कर पार्टी किंतु जो रबर बैंड आम यूज करुचे जो ड्रेस आम स्ट्रेचेबुल ड्रेस यूज करुचे से कौन हो स्ट्रेच होती छाड़े से ओरिजिनल सेप को आसूँ कितने टाइम जाए 5 थर 10 थर 15 थर 20 थर 25 थर 100 थर तापर कौन हम से तार ओरिजिनल सेप को गेन करें ढिलाई छिड़ी है ना नहीं कि स्टिलटा गोटे एमती जिनस मुझे बहुत फोर्स अप्लाई कला से टिके डीफर्म हम एंड आज सुन आज आई रिमूव द अप्लाइड फोर्स द बॉडी विल रीगेन टू इट्स ओरिजिनल सेप तेणुक ये तुम इलास्टिसिटी डेफिनेशन तार उल्टा हूँ तुम प्लास्टिसिटी जमी आम कहे जी भल गेन करे भल ओरिजिनल सेप साइज को गेन कर पार्टी सी हूँ भल इलास्टिक तार ठीक उल्टाटा हूँ प्लास्टिक अपोजिट ऑफ इलास्टिक इज डिफाइंड एज प्लास्टिक डन। अच्छा एबे आउ केतरा बेसिक टर्म कहूँ बेसिक टर्म पर आम जापर हुक्स लॉ को बेसिक टर्म तुम कौन ना स्ट्रेस स्ट्रेस कहले कौन ना मुझे जो सर्टन फोर्स अप्लाई कर पार्टी अन अ सर्टन एरिया दैट इज डिफाइंड एज स्ट्रेस जोटा कि तुम प्रेसर र इक्विवेलेंट ओके तो यार भी यूनिट हो पास्कल और न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर ओके दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेस फर्दर कौन स्ट्रेस को मुझे कमी एक्सप्रेस करी गोटे नॉर्मल स्ट्रेस बोली नॉर्मल स्ट्रेस गोटे प्रकार स्ट्रेस यहाँ आ गोटे प्रकार कौन स्ट्रेस ही पार टैंजेंशियल स्ट्रेस ही पार टैंजेंशियल स्ट्रेस गोटे हो पार तापर आस स्ट्रेन को स्ट्रेन कौन शुण ये देखिए डरी जीवन जदि देख वन सर्ट ये देखीदेव मुझे कहूँ तुम टाइम अच्छी तुम वन सर्ट को प्लेबैक् स्पीड बढ़े देखीदार आ जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आम पढ़े से तुम मन पड़ी वन सर्ट मुझे तीन प्रकार कही कौन कौन गोटे तुम लेंथ वाइज ओके स्ट्रेस आ गए तुम तीन प्रकार लेंथ वाइज गोटे वॉल्यूमेट्रिक गोटे आउ सीयर गोटे तीन प्रकार कही स्ट्रेन भी सेमती का तीन प्रकार कौन गोटे लॉन्गिट्यूडिनल आ गोटे वॉल्यूम वॉल्यूम माने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गोटे तुम सीयर स्ट्रेन ओके ये स्ट्रेन माने कौन चेंज इन डायमेंशन कैपिटल डी लिखिदे चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन ये तुम स्ट्रेन दिए जी मुझे लॉन्गिट्यूडिनल कहूँ तो मैंने चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूमेट्रिक कहूँ मैंने चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन सीयर कहूँ मैंने यहाँ कौन हुए ना गोटे सेप चेंज कराए है सटन सेप जो थीटा हिसाब से चेंज कराऊक आम थीटा एक्सप्रेस कैर जी कि तुम डेल एक्स बै एल बाहर ओके ये गला तुम स्ट्रेस आउ स्ट्रेन तापर कौन आसे तुम ना हुक्स ल आसे ओके हुक्स ल तुमको कौन कहे ना गोटे सटन इलास्टिक लिमिट पर्यंत तुम स्ट्रेस प्रोपोर्शनल हम स्ट्रेन सहित स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम स्ट्रेन कौटा पर्यंत ना अप टू ए सर्टन इलास्टिक लिमिट अप टू ए सर्टन इलास्टिक लिमिट गोटे सर्टन इलास्टिक लिमिट पर्यंत स्ट्रेसटा स्ट्रेन सागे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ओके ये तुमको स्ट्रेस कहे आम कौन कर नॉर्मली प्रोपोर्शनल सिंबल को उठाई गोटे इक्वल दिए गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे ये तरह आम कहींपर स्ट्रेस इज इक्वल टू मनकर कांस्टेंट को के नहीं जाऊँगी इंटू स्ट्रेन तो ये रेसीओ बाहर करी कौन हो मोर स्ट्रेस अपन स्ट्रेन इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट ये कांस्टेंट आउ कौन कहवा नॉर्मली आम कह प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट आउ कौन यू कहींपर ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोली कही परबी ओके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डन अच्छा ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एठू मोर गोटे नुआ कहानी स्टार्ट हम कौन सी नुआ कहानीटा ना तीन प्रकार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम गोटे तुम हम यंग्स मॉडुलस गोटे हम बल्क मॉडुलस आ गोटे हम सीयर मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते यू ओके जोटा कि सीयर टर्म रे बाहर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते ओके जी कि सीयर टर्म रे बाहर डन एबे मानको फर्दर डिफाइन करिया यंग्स मॉडुलस हेले कौन हम ताको मुझे वाई टर्म रे एक्सप्रेस करी जमी मुझे पढ़ली कौन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन ये पढ़ी ना स्ट्रेस अपन स्ट्रेन देख तो स्ट्रेस जगह मुझे कौन पुट करी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस को कमी एक्सप्रेस करी मुझे फोर्स अपन एरिया बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को कमी एक्सप्रेस करी चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ तो यहाँ को टेना को मॉडिफाई कर दे तुम फॉर्मूला कमी हो एफ एल बाय ए डेल एल हो गला तुम यंग्स मॉडुलस अच्छा आउ टिके आपको मॉडिफाई कर परबी एफ जगह एम जी पकई परबी एल जगह एल पकई परबी ए जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर पकई परबी डेल एल जगह डेल एल पकई परबी मानकर ओटे रॉड को एक्सपेंड करा होची बोली कंसीडर करूची चाहे एक्सपेंड करो चाहे कंप्रेस करो दुटा केस तुम यहाँ पकई परबो सेमजे तो बल्क कथा कहूँ बल्क रे कौन हो नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो बल्क मॉडुलस को मानकर बी रे एक्सप्रेस करिया से तुम कमी ना फोर्स बाय एरिया न पकई कि मुझे प्रेशर पकईबी ओके आउ तले वॉल्यूमेट्रिक चेंज पे डेल वी बाय वी पकेबी आउ एटा नॉर्मली नेगेटिव रे निया हुए काहेकि कारण प्रेशर आउ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर ओके तो एटा को आउ टिके मॉडिफाई करी कोन लिखि परबी माइनस वी डेल पी बाय डेल वी एमति वी एक्सप्रेस करि परबी ओके तापर कोन हिजबो तमरा आसी जिवो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
ଯାହାକୁ ତୁମେ ସିଓର ଟର୍ମରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କର। ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଅ ଜି ନେଇପାରିବ, ଏଇଟା ନେଇପାରିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ତୁମର ନା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବାଇ ସିଓର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଓକେ, ସେ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ ବାୟକୁ ଟେନସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବି, ଟେନସନ୍ ବାଇ ଏରିଆ ଲେଖିପାରିବି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଟା ପକେଇବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଏକ୍ସ ଅପନ୍ ଡେଲ୍ ଏଲ୍, ଓକେ, ବା ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ ଅପନ୍ ଏଲ୍, ଯାହା ବି ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି ଟି ଅପନ୍ ଥିଟା ବୋଲି, ଯେମିତି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେମିତି ନେଇପାରିବ। ଟେନ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ, ଏଣ୍ଟାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟାକୁ ତୁମର ଟି ବୋଲି ନିଆହେଉଛି, ଟେନ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ। ଓକେ, ହେଇଗଲା ତୁମର ମଡୁଲସ୍ ତକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ତୁମର ଆସେ କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି, କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟିକୁ ଆମେ ସିରେ ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା, ମାନେ ଡିନୋଟ୍ କରିବା ସିରେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନେବି କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ଅପନ୍ ବଲ୍କ ମଡୁଲସ୍, ବା ବଲ୍କ ମଡୁଲସ୍ର ଇନଭର୍ସଟା ହେଉଛି ତୁମର କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି। ବଲ୍କ ମଡୁଲସ୍ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଦେଖିଦିଅ ପଛରେ, ବଲ୍କ ମଡୁଲସ୍ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା ତୁମର, ଏଇଟା ୟାର ଠିକ୍ ଓଲ୍ଟାଟା, ମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ମଚ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ ମୋର କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଭି ଡିଭି ବାଇ ଡିପି ବୋଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଡିପି ବାଇ ଡିଭି ଇଣ୍ଟୁ ଭି, ହଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ତା'ର ଓଲ୍ଟାଟା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଫୋର୍ସର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍, ଏରିଆର ହେଉଛି ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ପ୍ରେସର୍ର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ବା ପାସ୍କାଲ୍ ବୋଲି କହିପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ତଳେ ତୁମର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ରହୁଥିଲା, ଚାହେଁ ଡେଲ୍ ଏଲ୍ ବାଇ ଏଲ୍ ହେଉ, ଚାହେଁ ଡେଲ୍ ଭି ବାଇ ଭି ହେଉ, ଚାହେଁ ଥିଟା ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଡେଲ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏଲ୍, ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ସେମ୍ ସେମ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଏ ସବୁତକ ତୁମର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲେସ୍। ଓକେ, ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲେସ୍ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଲେସ୍ ବି ଡନ୍। ବାସ୍, ୟା ପରେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓ। ଓକେ, ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓ, ଇଏ ପଏଜନ୍ ଆସିକି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଚାହେଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛେ ବା ଚାହେଁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛେ, ମନେକର ଗୋଟେ ରଡ୍ ନେଉଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବି, ତା'ମାନେ ଲେନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ତା'ର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ନାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଲେନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଉଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ନା, କି ଏଥିରେ କିଛି ଇଲିମେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ନା କିଛି ସବଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଇଲିମେଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେମ୍ ରହିବ, ତ ଯଦି ମୁଁ ତା'ର ଲେନ୍ଥ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଣୁଛି ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତା'ର ଟିକେ ନାକୁ ୱିଡ୍ଥ କମିଯିବନି। ତାହେଲେ ପଏଜନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ, ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓକୁ ଆମେ ସିଗ୍ମାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରେଇଲେ ଛୋଟ ହେବ ବୋଲି କହିଲି, ସେମିତି କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରେଇଲେ ମୋଟା ବି ହେବ। ଓକେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପଏଜନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓଟା କ'ଣ ରେସିଓ ନା ଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅପନ୍ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ିନାଲ, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ିନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଓକେ, ଲ୍ୟାଟେରାଲ ମାନେ ଡାୟାମିଟର ୱାଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ିନାଲ ଲେନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି ଡେଲ୍ ଡି ବାଇ ଡି, ତଳଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି ଡେଲ୍ ଏଲ୍ ବାଇ ଏଲ୍, ଡି ଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଡାୟାମିଟର ଆଣ୍ଡ୍ ଏଲ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲେନ୍ଥ। ଓକେ, ତ ତୁମ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୁକ୍ସର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଡୁଲସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଟିକେ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନ୍ସନ୍ ଆଉ ତୁମର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏସବୁ ବି ପଡ଼ିପାରିବ, ହେଲା। ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଆମେ ୟୁରେ ଡିନୋଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାହୁଏ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ମୋ ସେଟା ଦେବ ଏନର୍ଜି ଡେନ୍ସିଟି, ଇ ଡି ଲେଖିଦେଉଛି ଏନର୍ଜି ଡେନ୍ସିଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। କେବେ କେବେ ଏଇଟାକୁ ତୁମର ୟଙ୍ଗସ୍ ମଡୁଲସ୍ ଟର୍ମରେ କାଢ଼ିବାକୁ ବି କୁହେ, ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିଭାଇଡ଼୍ ତ କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ୟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ୟଙ୍ଗସ୍ ମଡୁଲସ୍ ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ଲେଖିପାରିବି ଅଭିଅସ୍ଲି, ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସ୍କୋୟାର ନେଇଯିବି, ଇଏ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଏନର୍ଜି ଡେନ୍ସିଟିର ଫର୍ମୁଲା। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରର ତୁମେ ଏହାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ, ଆଉ ଏନର୍ଜି ଡେନ୍ସିଟି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଜୁଲ୍ ବାଇ ମିଟର କ୍ୟୁ ସେମିତି ହେବ, ଏନର୍ଜିର ୟୁନିଟ୍ ଖାଲି କ'ଣ ଜୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏନର୍ଜି ଡେନ୍ସିଟି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜୁଲ୍ ପର୍ ମିଟର କ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ସିମ୍ପଲ। ୟାପରେ ତୁମର ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା କହିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ସର୍ଫେସ୍ ଟେନ୍ସନ୍, ସର୍ଫେସ୍ ଏନର୍ଜି, ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରେସର୍, କ୍ୟାପିଲାରି ରାଇଜ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ସଲିଡ଼୍ର ଏତିକି ହିଁ ପୋର୍ସନ୍ ତୁମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଏତିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି କହିଲ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଗ୍ରାଫ୍, ଯେଉଁ ତୁମର ଏମିତି ହେଇଥିବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ, ୟିଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା'ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ସେ ଏମିତି ରହିବ,
ତାପରେ ଏମିତି ରହିବ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ତୁମର ବ୍ରେକିଂ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଇଟା ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ତ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାଣିଦେଇଥାଅ। ଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ସି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଡି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଫ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଡ଼େ ନା, ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଯାଏ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ, ଯେମିତି ହୁକ୍ସ ଲ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇ ଇ ରୁ ଏଫ୍ ପାଇଁ। ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିବି ଥିଲା କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଇଫ୍ ଆମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ୍, ଆର୍ ଏଚ୍ ଟି 2021 ଏମ୍ ଏଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବ ସେଠି ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ଟା ଅଧିକ ଡକ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କନ୍ସିଡ଼ର କରିପାରିବା। ଆଉ ଯାହାର ଲେନ୍ଥ, ଏଇ ଲେନ୍ଥରେ ଯାହାର କମ୍ ଥିବ, ଏ ଲେନ୍ଥରେ ବେଶୀ ଥିଲେ ଡକ୍ଟାଇଲ୍, ଏ ଲେନ୍ଥରେ କମ୍ ଥିଲେ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଲ୍ ବୋଲି କନ୍ସିଡ଼ର କରିବା, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ ତ ତୁମର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିମିଟ୍, ଇଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଆସିବ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ହବ। ତାପରେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଲ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଠୁ ୟାର ଲେନ୍ଥ ଯେତେ ଅଧିକ ସେତେ ଅବଜେକ୍ଟ ଡକ୍ଟାଇଲ୍, ଯେତେ ଲେନ୍ଥ କମ୍ ସେତେ ଅଧିକ ବ୍ରିଟିଲ୍। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବି ଆସିଥିଲା ତୁମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ରୁ, ଇଫ୍ ଆମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସିଲାବସ୍ରେ ଏଇ ଗ୍ରାଫ୍ କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହୁକ୍ସ ଲ ଅଛି ତୁମେ ମନା ବି କରିପାରିବନି, ପଢ଼ିପାରିବନି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ସଲିଡ୍ର ମୋତେ ଲାଗ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କଭର କଭର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ସର୍ଟରେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଓକେ, ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ ଦ ସେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।